అందరికి నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు మనం కర్ణాటకలోని బిదర్ జిల్లా భాల్కి తాలూకా కోన్ మెల్కుందలో ఉన్నామండి. మన రైతన్న గారు అల్లం పండిస్తున్నారు. ఇది చూడండి ప్లాట్ ఎంత బాగుండదో. ఆయనకు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి. నమస్కారం సార్. నమస్కారం. ఆప్కా నామ్ బోలియే సార్. మేరా నామ్ సోమనాథ్ కాశ్యప్ప. సోమనాథ్ కాశ్యప్ప. ఏ కితనే సార్ సే జిరాత్ కర్తే ఆప్? 15 సార్ సే కర్తే సార్. 15 సార్ సే అద్రక్ దాల్తే. హౌ. హా. అబ్ ప్రెజెంట్ కితనే ఎకర్ మే హై ఆప్కు? प्रेजेंट 5 एकर है. 5 एकर टोटल 5 एकर में डाले. 5 एकर में डाले. हाँ. ये प्रेजेंट ये कितने एकर में है? ये 2 एकर है. ये 2 एकर. दूसरा दूसरा जगह पे 3 एकर. 3 एकर टोटल 5 एकर में डाले. ये बेडकू बेडकू कितना डिस्टेंस में लगाते हैं आप? 5.5 फीट. 5.5 फीट है. एक बेडकू कितना लैटर डाले? डबल दो लैटर डाले. दो लैटर डाले. दो लैटर डाले. अब मट्टी में अंदर गए. हाँ मट्टी में. हाँ दो लेटर डाल. इसको लगाने के बाद मट्टी चढ़ाते ना? हाँ मट्टी चढ़ाते. कितने बार चढ़ाते मट्टी? हम देखो 4 बार चढ़ाते. 4 बार. कैसा आदमिया से चढ़ाते क्या? नहीं नहीं मशीन से. मशीन से चढ़ाते. मशीन से चढ़ाते. ये कौन सा वेराइटी सीड है? ये माहिम वन बोल के है. माहिम वन. माहिम वन बोलते क्या इसको? माहिम वन. ये बारीक होता क्या मोटा होता? अब उतना ज़्यादा मोटा भी नहीं होता. ज़्यादा मीडियम में होता. हाँ मीडियम साइज होता है. हाँ. इसको विल्ट प्रॉब्लम कम है क्या? वो कम है. डिसीज भी कम है. विल्ट भी कम है. हाँ इसमें. हाँ. तो काम भी डिसीज नहीं दिख रहा. हाँ नहीं है. ये कौन सा महीने में डाले ये क्रॉप? ये जून महीने में डाले. देखो जून फर्स्ट वीक में. जून फर्स्ट वीक में डाले. हाँ. आपको कितने महीने हो गए? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. 7 महीने 8 महीने का है. हाँ 8 महीने हो गए. 8 महीने का है ये क्रॉप. ही ये एक बेड पे 2 रो लगाए. 2 रो लगाए. 2 रो. हाँ. एक एकड़ में कितना कुंटल बीज लगता तुम्हारे को? एक एकड़ को 10 कुंटल लगाते सब. 10 कुंटल बीज लगाते पूरा 10 एक एकड़ में. ये इसको बेसल डोस में ये दुखी मारते ना पूरा. हाँ हाँ. क्या क्या डाले? MOP DAP टोटल माइक्रो न्यूट्रेंट डाले. हाँ. और हमारा ह्यूमिक एसिड. हाँ. बेड के ऊपर डाले क्या है? ना बेड के ऊपर पेरे. हाँ. पेरने के बाद ये अदरक लगाए. हाँ. लगाने के बाद लेटर डाले. हाँ. उसका उसके ऊपर ही जो DAP वो डाल दिए. हाँ, हाँ. बेड के ऊपर. और ये गुट का गोबरी ये भैंसा का गाय का. हाँ, पहले डाले. हाँ. मट्टी के अंदर. हाँ. पहले ही डाले बेड बनाने वक्त ही डाले. क्या क्या डाले? गुड़ का गोबरी डाले. कितना डाले एकड़ को? एक एकड़ को 10 ट्रैक्टर डाले. 10 ट्रैक्टर. और हमारा फैक्ट्री का प्रेसमर था ना, प्रेसमर डाले. हाँ, वो कितना डाले? एक एकड़ को 20 टन डाले. 20 टन तक डाले. ये बेड को 5.5 फीट. 5.5 फीट. ये स्प्रे कितना बार करे इसको ऊपर? स्प्रे 5 बार करे. एक क्या प्रॉब्लम आता ज़्यादा अदरक को? ज़्यादा बोले तो विल्ट आता है. हाँ. ज़्यादा और क्या बोले तो करपा आता है. हाँ, मच्छे इसके ऊपर. हाँ हाँ, मच्छे आता है. और सूख जाने का. हाँ हाँ. हाँ. और क्या होता है बोले तो बैक्टेरियल विल्ट बोल के आता ना. हाँ. बैक्टेरियल विल्ट आता है. और इसको ये कन्नड़ में एले चुक्की बोल के बोलते हैं. हाँ. हिंदी में बोले तो येलो डॉट्स. हाँ हाँ, डॉट्स आता ना. हाँ हाँ. उसको क्या क्या दवा मार दिया? लीफ डॉट्स बोल के आता है. लीफ डॉट्स. हाँ, लीफ डॉट्स आता है. हाँ, उसको हम देखो M45 बायोस्टिन मिला के मारते हैं. और COC कापर ऑक्सीक्लोराइड. और बोले तो 3-4 बार मारते सब. डोज चेंज करते करते 4-5 बार मारते हैं. मार देते हैं. आप एक एकड़ को कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं इसको? वो बीज के ऊपर. बीज ज़्यादा महंगा रहे तो ज़्यादा हो जाता है. हाँ, ज़्यादा आता है. बीज के ऊपर रहते वो. अंदाज़ा एक एकड़ को 1 लाख रुपए. तो बीज को छोड़ के? बीज को छोड़ के 1.5 लाख से 2 लाख तक आता है एक एकड़ को. एक एकड़ को ऐसा 10,000 रुपये कुंटल रहे तो 2 लाख रुपए आता है. 2 लाख रुपए खर्चा आता है एक एकड़ को. अब एक एकड़ में कितना क्विंटल यील्डिंग आता आपको? हमारे को 125 कुंटल तक आया. देखो 125 कुंटल तक आया. हाँ. आप प्रेजेंट क्या रेट चल रहा है मार्केट में? प्रेजेंट 8,000 रुपये चल रहा है. 8,000-10,000 चल रहा है. अभी बढ़ने का चांसेस है. हाँ. ये 2 एकड़ का प्लाट है ना, इसमें कितना क्विंटल तक आता बोल के एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको?
250 क्विंटल तक आता है देखो। हाँ, बहुत अच्छा है क्रॉप, 250 क्विंटल तक होता है, क्विंटल के ऊपर ही आता है, कम नहीं आता, 250 क्विंटल तो आता है। एक 10,000 क्विंटल गए तो भी 25 लाख का, हाँ 25 लाख का, 5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख हो गए, 25 लाख तक आता बोल के एक्सपेक्ट कर रहे। और सब किसान को क्या बोलना चाह रहे अदरक के? अच्छे है, रेट रहे तो अच्छा है, इल्ड तो अच्छा आता है, करे मेहनत करना, मेहनत करे तो अच्छा आता है, उसके ऊपर ध्यान रखना। हाँ, देखना हर दिन देखना क्या हो रहा है, क्या है बोल के देखना, देख के करना। इनके पास नर्सरी भी है, गणेश नर्सरी बोल के गाँव में है अकरजुपेट। आपके नर्सरी में क्या क्या मिलता? नर्सरी में तरकर सब मिलता है, टमाटो, ये वांगे, और मिर्ची, और तरबूज, खरबूज, वाटरमेलन, मस्कमेलन, हाँ जो भी तरकारी का है ना, जो भी तरकारी का सब मिलता है, सब मिलता है। ऑर्डर से भी करते हैं, ऑर्डर से भी करते हैं, और हम ये भी अपना पेज आपका नंबर देते हैं, कुछ भी रहे तो कांटेक्ट में दे सकते हैं। ఇప్పుడు మనం కర్ణాటకలోని బీదర్ జిల్లా భాల్కి తాలూకా కోని మేళకుంద గ్రామంలో ఉన్నాము. మన జహీరాబాద్ ప్రాంతంలో ఎలాగైతే అల్లం ఎక్కువగా పండిస్తున్నారో అక్కడ వారు కూడా మేళకుంద గ్రామంలో చాలామంది రైతులు అల్లం పంట వేస్తున్నారు. ఈ పంట చూస్తున్న మన ఈ రైతన్న సోమనాథ్ గారు 5 ఎకరాల్లో అల్లం పంట వేశారు. మనం చూస్తున్న చేను 2 ఎకరాల్లో ఉంది, మిగతా 3 ఎకరాలు వేరే చోట్ల ఉంది అని చెప్తున్నారు. వీరు ఎకరానికి 8 నుంచి 10 క్వింటల్ అల్లం విత్తనం వాడారు. ఈ రకం మన మాహిం వన్ రకం అనే విత్తనం వాడామని చెప్తున్నారు. అయితే మాహిం వన్ అనే రకం విత్తనము మన దుంపకుళ్ళు వేరుకుళ్ళుకు తట్టుకొని ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఈ రకం అల్లంలో. అయితే మన సోమనాథ్ గారు బెడ్డుకు 5.5 ఫీట్ల దూరం బెడ్లు చేసుకున్నారు. ఆఖరి దుక్కిలో మన చెరుకు ఫ్యాక్టరీ ప్లేస్మెంట్ మరియు పశువుల ఎరువు వేసుకున్నారు. మన ఈ అల్లం పంట జూన్ నెలలో వేసుకున్నారు, మందులు మాత్రం 5 సార్లు స్ప్రే చేశామని చెప్తున్నారు. వీరు ఎకరాకు 1,50,000 నుంచి 2 లక్షల వరకు పెట్టుబడి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. దిగుబడి అనేది 125 క్వింటలు, ఈ 2 ఎకరాలకు గాను 250 క్వింటలు దిగుబడి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం 8 నుంచి 10 వేలకు క్వింటల్ ధర పలుకుతుంది. ఈ లెక్కన చూసుకున్న ఈ 2 ఎకరాలకు 25 లక్షల వరకు లాభం వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు.